हाय यार, एक डाउट है यार। एक बात बताओ, ये जैकेट, रेड कलर की जैकेट सही नहीं लग रही क्या? है, मुझे तो सही लग रही है यार। पता है कल क्या हुआ? वो आपको पता है, कोरोना के बाद ये पार्टीज वार्टीज में जाना थोड़ा कम हो गया है। सो येस्टरडे व्हाट हैपेंड दैट आई वेंट टू वन पार्टी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली रोहन तो हर पार्टी में पहुंच जाता है, रोहन भी था। एंड रोहन के साथ ना उसकी एक फ्रेंड आई हुई थी, मेघा, यू नो, वेरी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप हुई हुई थी। तो मैं जनरली ऐसे नहीं होता कि हम ऐसे पूछ लेते हैं कि यार मैं सही लग रहा हूँ क्या, जैसे मैंने अभी आपसे पूछ लिया, राइट? तो हम पार्टी में थे तो मैंने जनरली रोहन से पूछ लिया कि यार एम आई लुकिंग नाइस। तो क्या हुआ, तो मेघा ने मुझे ये वाली बात बोली, लाइक उसी टाइम बोली कि येस अमन, लाइक दिस जैकेट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। एंड फिर मेघा को कुछ काम हो गया तो रोहन ने मुझे देखा एंड हंसने लग गया। मैंने कहा भाई हंस क्यों रहा है, सही तो लग रही है, क्या है, मेघा ने भी तो ये बोला है। तो रोहन ने पता है मुझे क्या बोला कि अबे वो जो उसने बोला ना वो सरकाज्म था, जो वो उसने बोला ना वो सरकाज्म था। आज का फर्स्ट वोकैबलरी वर्ड इज सरकाज्म। वेलकम टू द वोकैबलरी पार्ट नंबर 29। आपने वाला कभी वर्ड सुना है? बहुत ही ज़्यादा कॉमन एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। द वर्ड इज सरकाज्म, ठीक है। द वर्ड इज सरकाज्म। सरकाज्म वर्ड का मीनिंग सेंस कैसे, सुनो। जब भी हम कोई बात बोले, वेन एवर वी से एनीथिंग, अगर उस बात का हमारा जो हमने बात बोली है बट हमारा मतलब कुछ और था, जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कई बार होता है ना, जैसे कोई रोहन सामने से एक बढ़िया सी जैकेट डाल के आ जाए और हम कहेंगे भाई जैकेट तो बढ़िया सही लग रही है तेरी, ठीक है। मतलब एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टोंट जो हम मारते हैं, मतलब बोला हमने वही कि भाई तू स्मार्ट लग रहा है, बट एक्चुअल में हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि जैकेट बड़ी बेकार लग रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना? तभी ये हुआ कि व्हेन आई आस्क रोहन एंड मेघा दैट वेदर आई एम लुकिंग ग्रेट और नॉट, सो व्हाट मेघा सेट या अमन जैकेट इज फाइन एंड व्हेन शी वेंट, तो रोहन ने क्या कहा कि भाई वो सरकाज्म था। सरकाज्म बेसिकली मीन्स कि जो बात आपने बोली बट वो जो आपकी एक्चुअल जो सेंस थी ना वो उल्टी थी। जैसे अब मैं ये वाली बात बोलूं कि यार कल ना एक रणवीर सिंह की ना एक पिक्चर आई हुई थी, ठीक है, मतलब एक फोटो आई हुई थी, क्या उसने मस्त जैकेट डाली हुई थी, ये जैकेट देखो यार कितनी मस्त लग रही है ना, मतलब भाई कलर वलर वाइट कलर की जैकेट कितनी मस्त है। अब आपको भी पता है ये जैकेट मतलब अजीब सी है, मुझे भी वाली बात पता है, बट हमने जिस तरीके से इसको बोला, मैंने क्या बोला कि जैकेट मस्त है, अगर इन वर्ड्स पे जाओ तो क्या लिखा हुआ है, जैकेट मस्त है, बट एक्चुअल आपको भी पता है एंड मुझे भी पता है कि ये मस्त नहीं है, मतलब ये अच्छी जैकेट नहीं है। तो कोई भी बात ऐसी बोलना, एंड ये वाली जैकेट देखो ये तो और भी मस्त है यार, कितनी सही लग रही है, कितनी कलरफुल मल्टी कलर, कितनी अच्छी जैकेट है, सेंस समझ गए ना कि मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ बट मैंने बोला कुछ और, That thing is known as sarcasm, and उस पर्टिकुलर वर्ड को हम क्या कहते हैं, sarcastic, ठीक है। मतलब ये जो एग्जेक्टिव होता है ना, जैसे sarcasm तो एक नाउन हो गया एंड एग्जेक्टिव क्या हो गया, sarcastic होना, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। टू से समथिंग विच यू एक्चुअली डू नॉट मीन, लाइक टू से समथिंग, कुछ ऐसा बोलना जो आप एक्चुअली मीन नहीं करते, ठीक है। तो क्या हुआ, जब रोहन ने मुझे कहा ना कि अबे वो sarcasm था, तो मैं चला ही गया मेघा के पास एंड मैंने पूछा कि यार मेघा डोंट बी sarcastic, टेल मी ऑनेस्टली। तो मैंने क्या लाइन लिखी हुई है, डोंट sarcastic, tell me honestly, मतलब यार sarcastic मत बन, tell me honestly। फिर मेघा ने कहा अरे अमन I'm not being sarcastic, सच में जैकेट अच्छी लग रही है, ठीक है, you are getting my point ना। तो मेघा ने मुझे बोला कि अमन I'm not being sarcastic, मतलब sarcastic में नहीं बोल रही हूँ, I'm not being sarcastic, सच में जैकेट सही है, so I hope you got my point। और या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने, it's not about the clothes, it's about anything, जैसे आपने अब मेरी handwriting देखी, मैंने यहाँ पे लिखा अमन, ठीक है, एंड अब मैं आपको बोलूं कि लिखो अच्छी है क्या, तो अब क्या है कि अगर आपने बोली कि राइटिंग अच्छी है, तो राइटिंग तो बहुत अच्छी है अगर आपने मुझे कहा, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इज इट अ सरकाज्म, मतलब सच में अच्छी है, और इज इट अ सरकाज्म, मतलब कुछ सरकाज्म तो नहीं है ना ये, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सही नहीं है बट तू फिर भी बोल रहा है सही है। यू आर गेटिंग द सेंस ऑफ द वर्ड ना, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो यू कैन आस्क मी। सो सरकाज्म इज अ नाउन एंड द सरकास्टिक इज अ एडजेक्टिव। द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी सिंपल, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रैक्टिशनर, ठीक है। प्रैक्टिशनर इज ये नाउन है। अब प्रैक्टिशनर आपको थोड़ा बहुत समझ भी आ जाएगा, आजकल बहुत कॉमन वर्ड यूज ही होता है। प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन हु डज प्रैक्टिस। हम अगर किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वी बिकम द प्रैक्टिशनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने एक वर्ड सुना है ना न्यूबी, लेट मी राइट इट क्विकली, NEWBIE, न्यूबी। न्यूबी वर्ड मतलब ये होता है, राइटिंग अच्छी है क्या, सरकास्टिक मत होना बता देना, ठीक है। सो न्यूबी मतलब क्या होता है, कोई काम को करने में जो नया हो, और एक्सपर्ट मतलब जो अच्छे से काम को कर चुका हो। पर आप न्यूबी से एक्सपर्ट कैसे बनोगे, व्हेन यू विल बी द प्रैक्टिशनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आजकल बहुत, वन हु डज प्रैक्टिस, सिंपल, प्रैक्टिशनर। एंड आप सेंटेंसेस पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ इंग्लिश,
प्रैक्टिशनर ऑफ इंग्लिश मीन्स लाइक आई प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, लाइक आई प्रैक्टिस की क्या आपके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी है, क्या वर्ड्स हैं, कैसे सिखाना है, एंड आई प्रैक्टिस इंग्लिश डेली सो आई बिकम द प्रैक्टिशनर ऑफ इंग्लिश. मीन्स कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, नहीं, मैं हर रोज देखता हूँ कि क्या कितना अच्छे से मैं पढ़ा सकता हूँ, क्या क्या नई मैं चीज़ें इन्वेंट कर सकता हूँ जिससे आपका टीचिंग स्टाइल मैं आसान कर सकूँ, आपको समझ में आए. सो आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ इंग्लिश. एंड कुछ लोग आजकल इंस्टाग्राम पे भी ये लिखते हैं कि आई एम अ पर्सनल ब्रांडिंग प्रैक्टिशनर, मीन्स वो अपनी पर्सनल ब्रांड को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो पर्सनल ब्रांडिंग प्रैक्टिशनर, ये वाला वर्ड भी बहुत कॉमन है, प्रैक्टिशनर, एंड बड़ा सिंपल है, लाइक प्रैक्टिस एंड शनर, प्रैक्टिशनर, 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 जॉब प्रैक्टिस एलीट टॉकर्स कर लेना, ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज दैट शी इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन फोर्टिस हॉस्पिटल. लाइक अब मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स कि जो भी मेडिकल का होता है, कि कोई भी जो चीज़ें होती हैं जो नर्स या डॉक्टर लोग करते हैं, अब मेडिकल प्रैक्टिशनर एक नर्स भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, क्योंकि उन मेडिकल वाली चीज़ों को प्रैक्टिस करना, जैसे यू नो द सिरिंज एंड ऑल दैट, मेडिसिन देना पेशेंट्स को, सो इट बिकम्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर. मीन्स व्हेन यू प्रैक्टिस मेडिकल थिंग्स तो देन यू बिकम द प्रैक्टिशनर ऑफ द मेडिकल. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. द नेक्स्ट वर्ड क्विकली, एमिकेबली. सो दिस वर्ड ये एडवर्ब है, अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, ठीक है. ओके, बिफोर यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड लेट मी टेल यू वन स्टोरी. कि सपोज करो दैट आई एम ड्राइविंग अ कार, ठीक है, कार में चला रहा हूँ, एंड अचानक यू नो आई बम्प्ड इनटू अ कार, मतलब कोई गाड़ी से मेरी टकरा गई, और वो बंदा बाहर आया सामने, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी टकरा गई, बंदा बाहर आया सामने से, ओबे ओए ये क्या है ये क्या है. मैंने कहा भाई ओए प्यार से बात कर यार, प्यार से बात कर, ठीक है, ठीक है, मैंने गाड़ी, मतलब मेरी गलती है, इट्स ओके, बट प्यार से बात करना, प्यार से, मतलब इट्स ऑल अबाउट, आप समझो, जैसे मैं कहूँ ना फ्रेंडली वे से बात करना, तो उन वर्ड्स की जो रिप्लेसमेंट होती है जैसे प्यार से, मतलब फ्रेंडली वे में, तो एमिकेबली एक वर्ड है, इसकी प्रोनंसिएशन मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक दिस. जैसे पहले ये है एमिक एबली, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं गाइज, एक बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपको अपनी वोकैबुलरी एनहांस करनी है यू शुड बी नोइंग दिस वर्ड्स. सो एमिक एबली, लाइक एमिक एबली, एमिक पहले एमिक एबली, तो मैं क्या बोलूँगा, अरे एमिक एबली बात कर यार, एमिक एबली बात कर, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा क्या यार, फ्रेंडली में बात कर, ठीक है, मैंने गाड़ी, यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना. तो एमिक एबली, एंड एक और वर्ड होता है विच इज नोन एज एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल इज एन एग्जेक्टिव. जैसे मैं बोलता हूँ ना कि यार रोहन की जो टोन थी, बात करने का तरीका था, वो बड़ा रूड था, कि रोहन टोन वॉज वेरी रूड, अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रोहन टोन वॉज वेरी एमिकेबल, ठीक है, रोहन टोन वॉज वेरी एमिकेबल, यू आर गेटिंग इट ना, मतलब बड़ी फ्रेंडली वे में थी, तो अब इसकी मीनिंग समझ लो, ठीक है, एमिकेबल वही सॉफ्ट फ्रेंडली, एमिकेबली मीन्स प्यार से इन अ फ्रेंडली वे. अब देखो, हिज टोन वॉज वेरी एमिकेबल, आप ये वाला पढ़ो, हिज टोन वॉज वेरी एमिकेबल एंड ही हैंडल द सिचुएशन ब्यूटिफुली. जैसे मैं बोलूँ क्या, लड़ाई हो गई थी, बट उसकी टोन जो थी, हिज टोन वॉज वेरी एमिकेबल एंड ही हैंडल द सिचुएशन. अब ये टोन क्या है, टोन एक नाउन है, अब नाउन की विशेषता तो एक एग्जेक्टिव बताएगा, तभी एमिकेबल है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज टॉक एमिकेबली, टॉक मतलब वर्ब है, टॉक टॉक टॉक्ड, V1 V2 V3, एमिकेबली मतलब ये वर्ब है. तो अब एडवर्ब क्या होता है, वो विशेषता बताता है किसकी, इट डिफाइंस और इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब. सो टॉक एक वर्ब है, एमिकेबली बेसिकली मीन्स कि प्लीज टॉक एमिकेबली, मतलब यार आराम से बोलना. और या फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्पोक एमिकेबली, टॉक स्पीक, यू नो स्पीक स्पोक, V2 आ गया, यू गॉट द सेंस. सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, बहुत इजी वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी इज ऑल अबाउट कि अगर आप यूज करना चाहते हो ना आप कर सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू कि आपको कैसे, वही ना, वोकैबुलरी इज ऑल अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स. अब मैं बोलूँ कि यार प्लीज स्पीक इन अ फ्रेंडली वे, सो इन अ फ्रेंडली को हटा के, या फिर इन अ फ्रेंडली वे को हटा के, आई विल बी यूजिंग लाइक प्लीज स्पोक एमिकेबली, कि यार आराम से बात करना. जैसे कभी मैंने भाई से बात की, भाई चिल्लाने लग जाए कि ये है वो है, मैं कहूँ भाई एमिकेबली बात करना, एमिकेबली बात कर यार. सो दिस इज द वे, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टास्क, इट्स वेरी सिंपल. इफ यू हैव एनी डाउट्स सो यू कैन कमेंट, एंड यू कैन कमेंट डाउन दी सेंटेंसेज एज वेल. सिंपल सी बात है, तीन वर्ड समझाएं, हर एक वर्ड को लिखो, एंड जो आप सेंटेंस हिंदी में बनाना चाहते हो वो बनाओ, एंड उसकी इंग्लिश का कि हाउ यू विल बी एक्सप्रेसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन इंग्लिश. तीन चीज़ें करनी है, तीनों वर्ड्स लिखने हैं, फिर एक हिंदी का सेंटेंस बनाना है, उसकी ट्रांसलेशन बनानी है, एंड ये वाला वर्ड यूज होने चाहिए. हिंदी में लिखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप इंग्लिश गलत लिखते हो, तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते थे, ताकि मैं आपको करेक्ट कर पाऊँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड सर्व यू इन अ बेटर वे. सो दैट इज guys for this particular video. I hope you must have enjoyed and loved it. Task ko kar lena. And if I talk about elite talkers is the ecosystem. Main iske upar ek achhi si video banaunga, but still in short I'll be explaining you
कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बिकम फ्लुएंट, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट योर स्पोकन इंग्लिश जर्नी, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल वीक हो या आप फ्लुएंट नहीं हो या आप फ्लुएंट होना चाहते हो अगर, एंड आपको नहीं पता कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है, एलीट टॉकर्स इज द एब्सोल्यूट फिट फॉर यू. एलीट टॉकर्स में आपको वो सारे आंसर्स मिलते हैं, ऑल द कॉन्टेंट आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ, एंड मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को मॉनिटर करता हूँ कौन क्या कर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ. सो यू कैन ज्वाइन इट, जस्ट व्हाट्सएप मी योर नेम एवरीथिंग एंड जस्ट यू नो आस्क फॉर द डिटेल्स. आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट एलीट टॉकर्स. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वोकैबुलरी पार्ट नंबर 30th. इट विल बी सुपर डुपर फन एंड इट वॉज ग्रेट एक्सप्लेनिंग यू ऑल द वोकैबुलरी वर्ड्स. सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय.